हमारी विनंती रखी थी कि हमें एक मौका दीजिए, मजबूत सरकार बनाइए, दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाइए, हम देवभूमि के अंदर विकास की बयार लाएंगे। और आज मैं कह सकता हूं मित्रों कि एक 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को बदलने का काम किया है। ढेर सारे काम समग्र उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने किए हैं। अब हमने सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है और उनके ऊर्जावान नेतृत्व में, जोशीले नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल भी उत्तराखंड को विकास के चरम पर ले जाने का काम करेगी, इसका मैं आप सभी को वादा करने आया हूं। तो एक और हरकता है जिनकी सरकार आपने देखी है, घपले घोटाले स्ट्रिंग ऑपरेशन ना जाने क्या क्या करते थे, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने ये देवभूमि को, वीर भूमि को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। यह आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष, इस वर्ष हमारी आजादी को 75 साल समाप्त हो रहे हैं। मित्रों, ये 75 साल के अमृत महोत्सव में जिस उत्तराखंड में, उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने बनाया था, मोदी जी ने सवारा है, उसको देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उत्तराखंड की रचना के वक्त भी आज हरकता बड़े बड़े भाषण करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब ये वीर भूमि के युवा, ये देव भूमि के युवा अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, गोलियां किसने चलाई थी? कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी मित्रों। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड का कभी समर्थन नहीं किया। रामपुर तिराहे की घटना को आज भी उत्तराखंड का युवा भुला नहीं सकता है। कई युवाओं ने अपनी जान गवाई और उत्तराखंड की रचना करने का काम देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और उत्तराखंड को संवारने का काम अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे। वाजपेयी जी ने बनाया और मोदी जी संवार रहे। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है। मैं बहुत गौरव और अंतकरण के भाव से उत्तराखंड की मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिंचे हुए संस्कारों के कारण ही देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सब इकाइयों में सबसे ज्यादा युवा अगर देश के लिए हथियार उठाकर सीमा पर तैनात है तो मेरी मातृशक्ति के दिए हुए संस्कार इसका कारण है। सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने देश की रक्षा के लिए दिया है तो उत्तराखंड के जवानों ने दिया है। यही मातृशक्ति के आशीर्वाद और संस्कार उनको देश की रक्षा करने के लिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने देश की मातृशक्ति के लिए ढेर सारे काम किए और उत्तराखंड की सरकार ने भी ढेर सारे काम किए। मित्रों, सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज जन्म का दर बच्चों जितना ही बच्चियों का भी होने जा रहा। कुप्रथाओं के कारण बच्ची को कोख में ही मार देते थे, इससे ज्यादा जघन्य बात क्या हो सकती है। मोदी जी ने
सरकार चलाने के साथ साथ जन जागृति भी चलाई, लोगों को जोड़ा, माताओं को जोड़ा, भाइयों को जोड़ा, और समाज के अंदर परिवर्तन आने लगा है। आज जेंडर रेशियो लगभग लगभग बरोबर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बेटियों को पढ़ाने के लिए भी ढेर सारी योजनाएं लाए, और आज बेटियां बच्चों की तरह ही पढ़ रही है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं, एक बेटे को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति को आप पढ़ाते हो, और एक बेटी को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को आप पढ़ाते हो। ये सम्मान बेटियों को देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, सरकार की योजना से देश भर में, सरकार की योजना से देश भर के अंदर निशुल्क प्रसूति, इंस्टीट्यूशनल अस्पताल के अंदर प्रसव की प्रक्रिया हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया है। मैं सिर्फ उत्तराखंड में बात करना चाहता हूं, हमारी सरकार बनने के पहले 100 में से 50 प्रसूति इंस्टीट्यूशनल प्रसूति होती थी, आज 100 में से 89 प्रसूति इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। मित्रों, इससे माता और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं, और इसीलिए माता मृत्यु दर भी घटकर 31 के नीचे चला गया है, और शिशु दर भी घटकर 33 के नीचे, मृत्यु दर भी 33 के नीचे गया है। और ये अद्भुत काम किया है जिसको शायद व्यक्तिगत रूप से कोई जानता नहीं है, ना इसका प्रचार हुआ है ना प्रसार हुआ है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने हर माँ जो गर्भावस्था में है उसका चिंता करने का काम किया है। काम करने वाली बहनों को 10 सप्ताह की छुट्टी देना, जिससे वो अपने नए बच्चे का ध्यान रख सके, उसकी देखभाल कर सके। 5,000 रुपया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उनके बैंक खाते में सीधे जमा कर दिए जाते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा माताओं को मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपया माताओं के बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। बच्चियों को स्कूल में टॉयलेट की बड़ी तकलीफ थी, हर स्कूल में अलग टॉयलेट बनाया, सुकन्या समृद्धि योजना लाए, 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए, और इससे बच्चिया अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, वहां तक की व्यवस्था करें। मित्रों, सबसे बड़ा मोदी जी ने काम किया है हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाना। मेरे अनुसूचित जाति के भाई भी सुन रहे हैं, गरीब के घर में शौचालय नहीं था। बहुत लोगों को शहर में जब कहते हैं, अरे भाई आप विकास की बात करते हो, शौचालय की बात करते हो, शौचालय में भला क्या विकास है। मैं उन लोगों को कहता हूं, आपने जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर की महिलाओं के साथ बातचीत नहीं की है। जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर की महिलाएं, बच्चियां, बेटियां कितनी शर्मसार होती होगी, इसकी कल्पना आपको नहीं है। आज मोदी जी ने 8 करोड़ शौचालय गरीबों में घर में बनाकर कई सारी महिलाओं को शर्म से मुक्ति दिला। मेरे अनुसूचित जाति के भाई भी सुन रहे हैं, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया मगर गरीबी के लिए कुछ नहीं किया। हरकदा अगर कान खुले हैं तो सुन लीजिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की 4 पीढ़ियों ने इस देश में शासन किया, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने भी किया। कितने गैस के कनेक्शन गरीबों के घर में बांटे थे? गैस तो शहरों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गए थे। मोदी जी ने 14 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर आज उन्हें धुएं से मुक्त करने का, टहनिया और कंडे जलाकर गरीब माताओं को आज आंख की रोशनी गवानी नहीं पड़ती, वो फेफड़े के रोग से ग्रसित नहीं होती क्योंकि उसके घर में गैस का सिलेंडर मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दिया है।
और ये कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट गैस के सिलेंडर, सबसे ज्यादा शौचालय किसके घर में पहुंचे। तो मैं धड़ल्ले से कहना चाहता हूं, हमारी दलित माताओं बहनों के घर में सबसे ज्यादा सिलेंडर पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा शौचालय पहुंचे, और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 8 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ शौचालय और 13 करोड़ उज्ज्वला का कनेक्शन, और 6 करोड़ घर में शुद्ध पीने का पानी, गरीब के घर में, दलित के घर में, पिछड़े के घर में, आदिवासी के घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी के घर में आने के पहले घर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो परेशानी होती थी या नहीं होती थी, मुझे बताइए कि इलाज कैसे कराएंगे। होती थी ना परेशानी। गरीब बाप अगर बीमार पड़ता था तो बेटे को कह देता था, बेटा बहुत इलाज करा लिए, बिल बढ़ जाता है, मैं तो मरूंगा ही, मेरे पीछे तू भी ऋण के बोझ से मर जाएगा, और लाचार बेटा पिताजी को घर पे लेकर आ जाता था। गरीब मां अपने बेटे की दवाई नहीं करा पाती थी। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का कार्ड दिया है, जिससे वो 5 लाख तक का सालाना खर्च कर अपने परिवार में सबका इलाज करा सकते हैं, सबका इलाज करा सकते। आज किसी भी बेटे को या मां को लाचारी से अपने बाप या बच्चे को मरता हुआ देखने की जरूरत नहीं है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो मेरे दलित भाइयों को हुआ है। मित्रों, पहले भारत सरकार घर देती थी, कितने, 2000, 5000, 2000, 5000। मोदी जी ने तय किया है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते होते भारत में हर गरीब को एक घर देने का काम करेंगे, और वो घर की मालकिन मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी घर की महिला को, वो घर का मालिक ही देने का। महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि एक योजनाएं जो थी गरीबों की, कांग्रेस के जमाने में संख्या में होती थी, इतने घर को बिजली देंगे, इतने घर बनाएंगे, इतने टॉयलेट बनाएंगे, इतने घर के अंदर सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने संख्या निकाल दी, देश में सभी को घर देंगे, देश में सभी को शुद्ध पीने का पानी देंगे, देश में सभी के घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में सभी के घर में शौचालय पहुंचाएंगे, देश में सभी के घर के सभी को घर देने का काम करेंगे। मित्रों, ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुद्रा योजना में जो ऋण दिए गए, इसमें 70% बहनों को ऋण दिया गया है, और मुद्रा योजना में जो ऋण दिए गए इसमें से 50% अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को ऋण देने का काम किया। जनधन खाते खुले, इसमें 55% बहनों के खाते खुले हैं, और उसमें 35% से ज्यादा अकाउंट मेरे दलित भाइयों बहनों के खुले हैं। मित्रों, देश भर की स्कूलों में पहले बच्चियों को, सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन नहीं था, मोदी जी ने कहा लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ेगी भला, और सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, पायलट बनना है, सेना में जाना है, एनडीए में जाना है, पहले बहनों को इजाजत नहीं थी, मोदी सरकार आने के बाद एयरफोर्स हो, नेवी हो या सेना हो, आज हमारी बेटियां भी गर्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा के लिए अपना संकल्प व्यक्त कर सकती। महिलाओं के अत्याचार के लिए, महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे
इसके लिए 700 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए जिससे तुरंत ही न्याय मिल पाए और मुस्लिम महिलाओं को शादी के बाद तलाक 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 कहकर निकाल देते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक के कानून को उखाड़ कर फेंक दिया और मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया। उत्तराखंड सरकार ने भी मुख्यमंत्री घासियारी योजना के तहत 7,771 केंद्रों के माध्यम से 3,00,000 महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाने का काम किया है कोऑपरेटिव के माध्यम से। 13 जिलों में नैनो पैकेजिंग यूनिट की स्थापना की और लगभग 94 करोड़ रुपया इसके तहत आवंटित किया है और इस प्रकार से महिला सुरक्षा के से बहुत सारे काम मोदी जी और हमारी उत्तराखंड सरकार ने किया है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं उत्तराखंड के विकास की भी बाद में बात करता हूं, पहले इस देश के अनुसूचित समाज के लिए, दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी बातें करी है जिससे दलितों के सम्मान को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने हर दलित महापुरुष का सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी ने अब बाबा साहब अंबेडकर का नाम देते, फोटो लगाते, माला जपते, चुनाव आता है तब, मगर संसद में किसने नहीं पहुंच दिया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंच। बाबा साहब को चुनाव किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने हराया। इतने सालों तक बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की याद नहीं आई, अटल बिहारी वाजपेयी आए तब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला। नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित कर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करने का काम किया और कांग्रेस आज भी संविधान दिन के कार्यक्रम में नहीं आती है। न जाने क्या कटुता उनको बाबा साहब अंबेडकर के लिए भर गई है। संविधान दिन का वो हमेशा बहिष्कार करते। मोदी जी ने 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ग्रामोदय से भारत उदय का अभियान भी शुरू किया और मित्रों, बाबा साहब के साथ जुड़े हुए पांचों स्थान, मऊ में शिक्षा भूमि, लंदन में जहां वो अध्ययन के लिए रह गए थे, नागपुर की दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, ये पांचों स्थान को स्मारक में बदलने का काम अगर कोई एक पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। अलीपुर के अंदर उनके निधन स्थल को आधुनिक म्यूजियम में बदला और बाबा साहब के स्मारक में एक बहुत बड़ा सभागार बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के हृदय स्थली में किया है जिसे अनेक पीढ़ियों तक बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को देश भुला न पाए और युवा उनसे प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता का संदेश लेकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट के अंदर ढेर सारी सुधार किए गए, दलित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 3 करोड़ छात्रों को सीधा लाभ दिया और लगभग 20,000 करोड़ की सहायता राशि मेरे दलित विद्यार्थियों के लिए घोषित की गई, पहुंचाई गई, सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचाई। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1,50,00,000 छात्रों को इसका फायदा पहुंचा, 2,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे इनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में पहुंची गई और लगभग 3 कॉर्पस फंड जो बनाया, वेंचर कैपिटल फंड, दलित उद्योग लगाने वाले दलित भाइयों को सहायता करने के लिए, इसमें 73 कंपनियों को लगभग 260 करोड़ रुपए की लोन देने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी दलित कल्याण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी गरीब कल्याण की बात करती है, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी के सम्मान की बात करती है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के देह अवसान के बाद उनको भारत रत्न मिलने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के साथ जुड़े हुए ये पांचों स्थानों के उद्धार के अंदर इतनी देर क्यों लगी? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि गरीब के घर में, दलित के घर में आप उनके कल्याण की बात तो 70 साल तक करते रहे, गैस क्यों नहीं पहुंचा, बिजली क्यों नहीं पहुंची, शुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं पहुंचा, शौचालय क्यों नहीं पहुंचा, उसको घर क्यों नहीं दिया गया, उसको आयुष्मान भारत योजना जैसा कार्ड क्यों नहीं दिया गया, देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री टीके के साथ साथ 2 साल तक प्रति माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी जानते ये दलित समाज के गरीब लोग, पिछड़ा वर्ग के गरीब लोग, आदिवासी समाज के गरीब लोग रोज कमाकर रोज खा रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, कल कारखाने बंद हो गए, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, वो क्या खाए? तो मोदी जी ने 2 साल तक एक पैसा लिए बगैर उनके घर में अनाज पहुंचाकर उनका चूल्हा चलता रहे इसकी व्यवस्था करी है मित्रों। और दलित हर मत के अंदर दलित कल्याण के लिए अनेक प्रकार के बजटों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में, उत्तराखंड के अंदर ढेर सारे विकास के काम हमने करे हैं, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम लगभग 500 करोड़ से ज्यादा लागत से नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बद्रीनाथ के पुनरोद्धार का काम 424 करोड़ की लागत से आज चालू हो चुका है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 16,000 करोड़ की लागत से ब्रॉडगेज रेल जिसमें 12 नए रेलवे स्टेशन आएंगे, 17 सुरंगें होगी और 16 ब्रिज होंगे वो भी चालू हो गई है, टनकपुर बागेश्वर रेल योजना उसका काम भी आगे बढ़ रहा है, 3 नई ट्रेन आरंभ कर दी गई है, केदारनाथ और हेमकुंड साहब के बीच में रोपवे परियोजना चालू कर दी गई है, केदारनाथ के पूरे विकास का काम 2 साल में समाप्त हो जाएगा, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास कर दिया गया है, इसके बाद 2.5 घंटे में ही देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे, चंडी देवी मंदिर रोपवे भी चालू कर दिया गया है, देहरादून में नियो मेट्रो रेल योजना भी करी है और 4 धाम का रास्ता 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर ऑल वेदर रोड 24 घंटा जिससे यात्री पहुंच सके और देश की सीमाओं पर हमारा सैनिक भी पहुंच सके, इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढेर सारा काम हुआ है, हमने लगभग 3,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष स्वास्थ्य पर खर्च किया है, मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को मुफ्त टीका लगाने का काम समाप्त कर दिया है, ढेर सारे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, ढेर सारे बेड्स बढ़ाए गए हैं, उत्तराखंड में 6 जिलों में डायलिसिस केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं, 100% पहला टीका लगाना का काम पूरा कर दिया गया है, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना भी शुरू कर दी गई। मित्रों मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ एक डबल इंजन सरकार चल रही, और हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो दावा कर रहे हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे। हरीश जी लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आपने तो सरकार चलाई है, हमने क्या किया इसका हिसाब किताब
उत्तराखंड की माताओं बहनों के सामने रखा है, हमारे दलित भाइयों के सामने रखा है, उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। आप भी जरा हिसाब किताब लेकर किसी चौराहे पर आ जाओ, मेरे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को मैं भेजूंगा, आपके 70 साल मोदी जी के 7 साल हमारा पलड़ा भारी है। कांग्रेस की सरकारें विकास नहीं दे सकती, कांग्रेस की सरकारें स्कैम दे सकती है, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार युक्त शासन दे सकती है। विकास मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आप सभी लोग माताएं बहने हमारे दलित भाई यहां बैठे हैं, मुझे बताओ किसी को भरोसा था कि इस देश में धारा 370 को कोई हटा पाएगा? किसी को भरोसा था? भाई बताओ, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संसद में धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि है। राम जन्मभूमि के लिए सालों से आंदोलन होते थे, सैकड़ों लोग मारे गए, मगर शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकलता था। आज मोदी जी ने इसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढकर इसकी नींव रखने का काम कर दिया है। अब कुछ ही महीनों में देखते देखते गगनचुंबी राम मंदिर भी वहां पर बना हुआ हम देखेंगे। केदार धाम का उद्धार किया, बद्री विशाल के मंदिर का भी पुनरोद्धार हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना है, हर जगह हमारे श्रद्धा केंद्रों का सम्मान करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, ये दो ऐसी घटनाएं हैं कि पहली बार पाकिस्तान को अनुभव करा दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना भारत के जवान घर में घुसकर बदला लेना जानते हैं। ये देश में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, मोदी जी को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मोदी जी को आपके प्यार और उत्साह की जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लेकर उत्तराखंड की जनता के सामने आए हैं, विनम्र भाव से हमने जो कहा है किया है वो आपको बताया है और आगे पर भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार हम पुष्कर धामी के नेतृत्व में देंगे, इसमें आप हम पर भरोसा कर सकते हो। मित्रों, आने वाले दिनों में फिर से एक बार आप सभी मिलकर विशेषकर माताओं, हमारी मातृशक्ति और दलित समाज के लोग आशीर्वाद दे भारतीय जनता पार्टी को, फिर से एक बार मजबूत सरकार बनाइए, यही हमारी करबद्ध विनती है। आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम।